हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मृणालिनी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर आई हूँ आपके सामने एक नई जानकारी के साथ, आपके लिए बहुत ही अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स लेके। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप बिना अपना खाना छोड़े कैसे अपने वेट को लूज कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, कैसे अपने मोटापे को घटा सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगेगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ, मैं आपको कुछ ट्रिक्स के बारे में बताने वाली हूँ जिससे आप अपना वेट लूज कर सकते हो बहुत ही इजीली। सबसे पहले क्या करना है, आपको इकट्ठे बहुत सारा नहीं खाना है। फर्स्ट टिप यही है कि आपको एक साथ ज्यादा खाना नहीं खाना है। आप थोड़े थोड़े इंस्टॉलमेंट में खाइए, थोड़े थोड़े स्टेप्स में खाइए, तो कई स्टेप में खाइए, लेकिन इकट्ठे बहुत सारा नहीं खाना है। इकट्ठे बहुत सारा खाना खाने से आपका वेट बढ़ता है, इसलिए आपको बहुत सारा खाना इकट्ठे नहीं खाना है। द सेकेंड थिंग इज कि आपको टेंशन नहीं लेनी है। पता है, हमेशा हमारे शरीर का जो हेल्थ होती है, हमारी जो फिजिकल हेल्थ होती है, वो हमारे मेंटल हेल्थ पे डिपेंड करती है। होता क्या है कि जब हमारा दिमाग सही रहता है, मेरा मतलब है कि खुश रहता है, तो हमें अगर कोई बीमारी भी होती है ना, तो हम इतने बीमार नहीं दिखते, इतना इफेक्टेड नहीं होता है हमारी बॉडी। बट अगर हम दिमाग से बहुत टेंशनाइज्ड होते हैं, बहुत सोचते हैं, तो हमारी फिजिकल हेल्थ ना खराब होने के बावजूद भी हम बहुत बीमार लगते हैं। इसलिए आपको बहुत सोचना नहीं है। हाँ, ये सोचना अच्छी बात है कि हमें अपना वेट लूज करना है या हमें अच्छा रहना है, हमें फिट रहना है, लेकिन इसके लिए टेंशन नहीं लेनी है कि आपको कैसे क्या करना है, आप कैसे कर सकते हो, कितने दिन लगेगा, एक्सेट्रा। तो आपको खुश रह के करना है, फॉलो करना है, तो आप जल्दी से वेट लूज कर पाओगे। द थर्ड थिंग इज आपको अपने स्टेप्स पे ध्यान रखना है। स्टेप्स पे इसके लिए आप अपने स्मार्टफोन या फिर वॉचेस आती हैं आजकल, आप ध्यान रख सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हो। आपको स्टेप्स जरूर काउंट करना है, क्योंकि ये आपकी कैलोरी बर्न करने में बहुत हेल्पफुल होता है। आपको पता चलेगा कि स्टेप्स कितना ज़्यादा कैलोरी बर्न करते हैं, इसलिए कितनी कैलोरीज आप एक दिन में बर्न कर रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको अपने स्टेप्स काउंट करने हैं, ध्यान रखना है। द नेक्स्ट थिंग इज आपको डेली एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज में आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, आप पुशअप्स कर सकते हैं, आप स्किपिंग कर सकते हैं, करना चाहें आप कुछ भी। अगर पता है सबसे आसान तरीका क्या होता है, आपको कुछ भी एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, बस म्यूजिक ऑन करिए अच्छी सी और आधे घंटे अच्छे से डांस कर लीजिए, रूम बंद करके जैसे आप करना चाहते हैं वैसे ही आपके लिए। इससे अच्छी एक्सरसाइज, बेटर एक्सरसाइज कोई हो ही नहीं सकती है। और आपको हेल्दी स्नैक्स खाने हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको कुछ भी नहीं खा लेना है, हेल्दी स्नैक्स खाने हैं। बहुत सारे चिप्स आते हैं, जैसे मैंने अभी पिछले वीडियो में बात करी थी, रागी चिप्स, बनाना चिप्स, ये सब रोस्ट करके आप खा सकते हैं, मखाना रोस्ट करके खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हो, बहुत से हेल्दी ओट्स खा सकते हो, कॉर्नफ्लेक्स खा सकते हो, बहुत सारे स्नैक्स होते हैं जो बहुत हेल्दी होते हैं। आजकल तो मार्केट में भी बहुत सारे मिलते हैं, तो आपको बहुत मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये 5 टिप्स जो मैंने आपको दी हैं, ये आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित होने वाली हैं। अगर आप अपना वेट लूज़ करना चाहते हो, आप इजीली खुशी खुशी अपना वेट लूज़ कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, तो इन्हें ज़रूर अपना के देखिएगा और आप अच्छे से वेट लूज़ कर लोगे अपना। और अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू।